बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सातवीं बार संभालेंगे सूबे की कमान। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से दो उप मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं पद की शपथ, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम की चर्चा। खबरों के मुताबिक 8 से 10 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, वीआईपी और हमसे एक एक मंत्री बनाए जाने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक नीतीश की नई कैबिनेट में बीजेपी से 20 से 21 मंत्री, जेडीयू कोटे से 11 से 12 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद। कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद चुने गए हैं बीजेपी विधानमंडल के नेता, एनडीए विधायकों ने चुना उपनेता। एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है, सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। बेतिया के विधायक रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल ने चुना उपनेता, कहा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगी। पार्टी का आदेश जो होता है हम लोग उसका सर्वसम्मान पालन करते हैं। अभी हम मुझे पता नहीं है कि क्या बनना है, ये जब पार्टी का आदेश होगा जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को हम निर्वहन करेंगे। दो डिप्टी सीएम के अटकलों के बीच सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा, कोई पद नहीं तो कम से कम कार्यकर्ता रहूंगा। नीतीश की शपथ को लेकर आरजेडी ने घेरा, कहा छोटे भाई की भूमिका में आने के बाद भी मिला ताज। महागठबंधन की हार को लेकर कांग्रेस पर फूटा आरजेडी का गुस्सा, शिवानंद तिवारी बोले जीत में बाधा बन गई कांग्रेस। शिवानंद तिवारी ने कहा 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने 70 रैलियां भी नहीं की। शिवानंद तिवारी बोले राहुल ने बस 3 दिन की रैली की, प्रियंका तो आई भी नहीं। शिवानंद के आरोपों पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज, ट्वीट में लिखा शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे। नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस में जारी है घमासान, अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे पार्टी के नेता। खेती कानूनों के खिलाफ जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन, सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी। पंजाब के बरनाला में पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन, पेंशन कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल में बीजेपी की एक और मुहिम, मिदनापुर में महिला कार्यकर्ताओं को कराटे की ट्रेनिंग। कोरोना से कराती दिल्ली को बचाने के लिए केंद्र और राज्य ने झोंकी ताकत, गृहमंत्री के साथ केजरीवाल और एलजी की बैठक। बैठक में करीब 300 आईसीयू बेड बढ़ाने पर बनी सहमति, आरटीपीसीआर टेस्ट दोगुना करने की पर राजी। और आईसीयू बेड बढ़ाए उसके लिए बाईपैक मशीनें जो हमें जरूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। दिल्ली में बेकाबू कोरोना पर गौतम गंभीर का केजरीवाल पर निशाना, कहा महामारी रोकने में फेल सीएम। दिल्ली में सरपट दौड़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 7,340 नए केस, 96 मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में सामने आए 41,100 नए मामले, 447 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में अब तक कोरोना के कुल आंकड़े 88 लाख के पार, 82 लाख से ज्यादा ठीक हुए मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,544 नए केस, 60 की गई जान। गुजरात में भी बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 1,070 नए मामले। इस साल के अंत में आ सकती है कोरोना वैक्सीन, बायोएनटेक कंपनी का दावा, 90% से ज्यादा रहा टेस्ट का रिजल्ट। आज से केरल के सबरीमला मंदिर के भी खुल जाएंगे कपाट, 8 महीने बाद भगवान अय्यप्पा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। महाराष्ट्र में आज से पूरी होगी भक्तों की इच्छा, सभी धार्मिक स्थल के खुल जाएंगे द्वार। शिरडी में आज से खुलेगा साईं का दरबार, दर्शन के वक्त कोरोना नियमों का होगा पालन। मुंबई में श्रद्धालुओं के लिए आज से खुल जाएगा सिद्धि विनायक का द्वार, लंबे अरसे बाद गणपति के दर्शन करेंगे भक्त। मुंबई के हाजी अली दरगाह भी जायरीनों के लिए खुला, कोरोना नियमों के साथ होगी जियारत। आज से बंद हो जाएंगे केदारनाथ के कपाट, 6 महीने बाद खुलेगा मंदिर। पाट बंद होने से पहले केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भोले बाबा के लिए आशीर्वाद। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री के कपाट। आज से यमुनोत्री धाम के कपाट बंद भी हो जाएंगे, मंगल गीतों के साथ आखिरी पूजा की तैयारी। दिवाली के दूसरे दिन बंद हो गए गंगोत्री के कपाट, पूरे विधि विधान के साथ साल की आखिरी पूजा संपन्न। एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट, तेज हवाओं से बढ़ी ठंड।
हरियाणा के हिसार में जमकर ओलावृष्टि, तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। जयपुर में भी अचानक मौसम का बदला रंग, कई इलाकों में जमकर हुई ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में जमकर बरसी बर्फ, गुलमर्ग में भी बर्फबारी से बिछी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जमकर बरसी बर्फ, गुरेज में इस मौसम की पहली बर्फबारी। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा सेहत के लिए हुई और खतरनाक, AQI स्तर में 3 गुना इजाफा। मुंबई वालों ने किया BMC के दिशा निर्देशों का पालन, दिवाली पर दिल्ली से बेहतर है मुंबई का प्रदूषण स्तर। दिवाली के बाद लखनऊ की भी हवा हुई खराब, AQI लेवल 1442 पहुंचा। दिल्ली में छठ घाटों पर अर्घ की मनाही का विरोध शुरू, छठ का आयोजन करने वाली समितियों ने उठाए सवाल। छठ पर्व में कोरोना से बड़ी मुश्किल, झारखंड में सार्वजनिक तालाब, लेक, डैम, नदी पर अर्घ देने पर प्रतिबंध। जयपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, रेप की शिकायत पर आरोपी ने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। 50% झुलसी महिला अस्पताल में भर्ती, अप्रैल में महिला के साथ हुई थी रेप की वारदात। दिल्ली के उत्तम नगर में बेटे ने बाप की हत्या की, पुलिस के मुताबिक मामला अवैध संबंध का। महाराष्ट्र के बीड में एक प्रेमी ने प्रेमिका पर फेंका तेजाब, फिर जिंदा जलाने की कोशिश की। यूपी के फरुखाबाद में दबंगों की सरेआम गुंडागर्दी, मामूली बात पर सब्जी वाले को पीटा, फिर तेजाब से जलाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक महिला जज ने की खुदकुशी, मामले की जांच शुरू। बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर से अभी तक पुलिस के हाथ खाली, अपराधियों की गोलीबारी में एक महिला और बच्चे की गई थी जान। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में चोरी करते रंगे हाथों धरा गया चोर, भीड़ ने की जमकर धुनाई। बिहार के सुपौल में कोसी नदी से बोरी में बंद मिला नवविवाहिता महिला का शव, गुस्साए परिजनों का बवाल। यूपी के हरदोई में पुरानी रंजिश में चली गोली, पूर्व प्रधान के 2 बेटों की मौत। दिल्ली में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम लड़की से शादी पर जबरन इस्लाम कबूल कराने पर FIR। कानपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, भागने में एक जुआरी की गंगा में डूबने से मौत। मेरठ में दिवाली पर फायरिंग पर नपा एक शख्स, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के झालावाड़ में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, जुआ खेलते 32 लोग गिरफ्तार। यूपी के शामली में पुलिस की कार्रवाई पर गई एक शख्स की जान, बेटे के नोटिस पर पिता को पड़ा दिल का दौरा। पंजाब के बठिंडा में खिलौने के गोदाम में भीषण आग, दमकल विभाग को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। नालंदा में अवैध रसोई गैस रीफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 2 मकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। झारखंड के जामताड़ा में सड़क हादसे में 3 की मौत, धनबाद से कटिहार जा रहा था परिवार। असम में दिवाली पर अग्निकांड, देवाजी जिले में आग से 5 घर खाक। बिजनौर में भी आतिशबाजी से तबाही, 4 कारें जलकर राख। श्रीनगर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए 5 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना और BSF के अधिकारियों ने श्रीनगर शहीदों को किया याद, नम आंखों से आखिरी विदाई। दुर्गापुर पहुंचे शहीद सुबोध घोष का पार्थिव शरीर, LOC पर पाक की फायरिंग में गई थी जान। झाबुआ में वायरल हुआ एक पुलिस वाले का फिल्मी अंदाज, शोले के डायलॉग मारकर लोगों को पढ़ाया कानून का पाठ। बंगाल में काली पूजा के मौके पर कोरोना से श्रद्धालु सतर्क, सिलीगुड़ी में पूजा पंडालों में कर रहे हैं नियम का पालन। रिलायंस रिटेल ने अर्बन लैडर में 96% हिस्सेदारी खरीदी, 182 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा रिकवरी होगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अनुमान, चौथी तिमाही में पीक पर रहेगी महंगाई। DHFL के सभी पोर्टफोलियो के लिए बोली लगा सकता है अडानी ग्रुप, ऑक्ट्री से ज्यादा पैसे ऑफर किए। 2030 से नई पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर बैन लगा सकता है ब्रिटेन, अगले सप्ताह हो सकती है घोषणा। मिठाइयों पर भी दिखने लगा कोरोना का असर, वर्धमान में भाई दूज पर दुकानों में सजी कोरोना मिठाई। चुनाव नतीजों को लेकर वॉशिंगटन में हिंसक झड़प की खबरें, आपस में भिड़े ट्रंप समर्थक और विरोधी। चुनाव नतीजों में धांधली पर ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में किया मार्च, हजारों समर्थक उतरे सड़कों पर। लीबिया में डूबते शरणार्थी जहाज से एक महिला को बचाने का वीडियो वायरल, अपने बच्चे के खोने पर बिलक रही मां। फ्रांस में लॉकडाउन के नियमों में और सख्ती, कोरोना के तेजी से बढ़ते ग्राफ के बाद एक बार फिर लॉकडाउन। रोमानिया में कोविड अस्पताल में आग से हड़कंप, 10 मरीजों की मौत। अमेरिका में 1,12,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 2,51,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ऑस्ट्रिया में कड़ी किए गए लॉकडाउन के नियम, गैर जरूरी स्टोर और स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ बड़ा पुर्तगाल में विरोध प्रदर्शन, लिस्बन की सड़कों पर कारोबारियों का हल्ला बोल।
जर्मनी में भी दोबारा लॉकडाउन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, फ्रैंकफर्ट शहर की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। लेबनान में लॉकडाउन के बावजूद तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, एक दिन में सामने आए करीब 2000 नए मामले।